करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सहारा के सुब्रत राय सहित 44 लोगों पर देवास रोड स्थित ईओडब्ल्यू ने किया केस दर्ज। उज्जैन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने बुधवार को सहारा ग्रुप की कंपनियों द्वारा निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सहारा कंपनी के मालिक सुब्रत राय सहित कंपनी के 44 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। वर्ष 2019 में 160 से अधिक लोगों ने सहारा के खिलाफ शिकायत की थी। जांच के बाद बुधवार को धारा 409, 420, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। सहारा ग्रुप की जो पांच कंपनियां हैं, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड और सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड, ये पांच कंपनियों के पदाधिकारियों पर, उन पर जो डायरेक्टर्स हैं, उनके खिलाफ एक FIR हमने दर्ज की है, जिसमें इसका मुख्य आधार ये था कि यहाँ पर शिकायत मिली थी कि बहुत सारे निवेशकों के साथ इन कंपनियों ने धोखाधड़ी की थी, और इसमें निवेशकों से कहा गया था कि आपको इतनी राशि आप जमा करते हैं तो एक अमुक पीरियड के बाद आपको इतनी राशि बढ़कर मिलेगी, जो कि इनके द्वारा अपना वादा पूरा ना करते हुए धोखाधड़ी पूर्वक ये अपने पूरे कंपनी को यहाँ से बंद करके चले गए थे। और इस पर यहाँ पर शिकायत सिद्ध होने पर यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने इसमें FIR की है, और इसमें हम विवेचना कर रहे हैं, और लगभग 13 करोड़ से ऊपर तक की राशि से संबंधित ये मामला है, और लगभग 3000 लोग इससे प्रभावित हुए, और हम विवेचना इसको जल्दी करके जो भी साक्ष्य के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। तो कंपनी के संचालक के खिलाफ भी FIR दर्ज? जी हाँ जी। कितने टोटल आरोपी बनाए? लगभग 45 के आसपास आरोपी इसमें बनाए गए हैं, जो सभी जो कंपनियाँ हैं, पाँचों कंपनियों के संचालक गण इसमें आरोपी बने हैं।